हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस मंडे के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा व्यू बुलिश है और निफ्टी में यहाँ से 9580 9600 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 9580 स्पॉट में आ चुका है, और अब अगर आप देखें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जरूर है, छोटा सा रेजिस्टेंस है यहाँ पे। अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस कर लेता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट आता है स्ट्रेट अवे 9900। तो व्यू अभी भी बुलिश ही है और मुझे लगता है यहाँ से 9800 9900 तक के लेवल से आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। सो अभी भी बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए 9900 के टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी भी व्यू बुलिश है। बैंक निफ्टी भी एक चैनल ब्रेकआउट दिया था और बैंक निफ्टी ने एक डिप भी दिया हुआ है। फ्राइडे के सेशन में एक डिप दिया था 18600 के आसपास, तभी मैंने टेलीग्राम चैनल में बाय भी रेकमेंड किया था लाइव ट्रेड में। एंड अभी भी व्यू बुलिश है, यहाँ से 19,500 एंड 20,000 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सो बैंक निफ्टी में भी बुलिश व्यू है, निफ्टी में भी बुलिश व्यू है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। सबसे पहला स्टॉक था ग्रासिम। ग्रासिम मैंने आपको बाय दिया था लास्ट वीडियो में। ग्रासिम आप देख सकते हो 602 तक जाके आया ग्रासिम, और ये 580 के आसपास मैंने बाय दिया था। एचयूएल मैंने बाय दिया था 2020 के आसपास 2020, एंड अभी प्राइस हो गया 2057। तो ये दोनों स्टॉक में काफी अच्छा पैसा बना। मैंने बाटा इंडिया सेल दिया था 1300 के नीचे। बाटा इंडिया ने लो बनाया 1283 का, उसके बाद पोजीशन रिवर्स हुआ है, तो आपको इंट्राडे में 10-15 रुपए मिला है। इसमें भी मैंने एक स्मॉल प्रॉफिट बनाया इंट्राडे में। और एक मैंने लाइव ट्रेड दिया था वोल्टास टेलीग्राम चैनल में, जिसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। अगर आपने ये स्टॉक्स में से किसी में ट्रेड किया है, ग्रासिम, एचयूएल या बाटा इंडिया या वोल्टास, तो जो भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस किया है आप खाली कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके बता दो, यस वी ट्रेडेड एंड वी मेड प्रॉफिट्स इन ग्रासिम एंड एचयूएल। प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट बताने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ऐसे लिखोगे कि यस वी मेड प्रॉफिट और वी मेड लॉस इन वोल्टास, तो भी चलेगा। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस करना है। सो सबसे पहला स्टॉक होगा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक बहुत बड़ा फॉल आया 190 के लेवल से, मैं इसको सेल रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आपने मेरे वीडियोस स्टार्टिंग से आप मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो 190 के लेवल से मैं ये सेल रिकमेंड कर रहा हूँ। बट इसका रिजल्ट है अब 5 तारीख को, और 150 के लेवल से इसमें काफी अच्छा बाउंस बैक हमें देखने को मिल रहा है, और ये एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, जो कि बुलिश पैटर्न है। अब मुझे लगता है यहाँ से 162 अगर क्रॉस कर लेता है 162-163 लेवल्स, तो इसमें 175-180 तक के लेवल्स हमें इजीली देखने को मिल सकते हैं। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफी अच्छा बाय रहेगा मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए। कौन से लेवल पे बाय करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में लेवल बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक होगा उज्जीवन। उज्जीवन भी चार्ट पैटर्न काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे काफी अच्छा बाइंग हुआ है ये दोनों कैंडल्स में, आप देख सकते हो वॉल्यूम के साथ। एंड यहाँ पे एक डिप दिया है इंट्राडे डिप, एंड वापस ऊपर ही क्लोज हुआ है। अब मुझे लगता है यहाँ से उज्जीवन में 184-185 तक के लेवल्स इजीली देखने को मिल सकते हैं, पॉसिबल है 195 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। उज्जीवन काफी अच्छा बाय रहेगा इंट्राडे के लिए मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए। सो कौन से लेवल पे बाय करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। लास्ट स्टॉक होगा जी एंटरटेनमेंट। जी एंटरटेनमेंट अगर आप देखें, चैनल ब्रेकआउट दिया है इसने। जी एंटरटेनमेंट अगर आप देखें, ये चैनल में ट्रेड कर रहा था और एक चैनल ब्रेकआउट दिया इसने काफी अच्छा। अब अगर आप देखें यहाँ से कंटिन्यूसली एक रेंज में था, और अब ये रेंज तोड़ चुका है, यहाँ से ब्रेकआउट दे चुका है। अब मुझे लगता है यहाँ से इजीली 200 प्लस लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं जी एंटरटेनमेंट में। तो जी एंटरटेनमेंट भी काफी अच्छा बाय ट्रेड रहेगा मंडे के सेशन के लिए। कौन से लेवल पे बाय करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। आई होप आपको वीडियो काफी अच्छे लग रहे हैं, एंड यू आर लर्निंग एंड अर्निंग बोथ। प्लीज लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।